कुल्फी घोटाला इसका नाम है, ठेला स्टाइल में, ठीक है, ये चक्का वक्का लगा हुआ है। हाँ ठीक है, काला जामुन वाला। और ये हमारा स्ट्रॉबेरी। नहीं नहीं, मेरे साथ जो लोग आए हुए वो लोग बनाए हैं बहुत मेहनत से, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हम ये ट्राई कर रहे हैं। और ये तो बिल्कुल ट्राई करना है भाई साहब, ये तो मेरा फेवरेट। तो आ चुका है हमारे पटना में न्यू मोनोपोली रेस्टोरेंट एंड जूस सेंटर। अगर बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन है हमारा जो हमारा बोरिंग कैनाल रोड है ना, श्री कृष्णापुरी की तरफ वाला, आपको बता रहे, ठीक है, तो उधर आप लोग आ जाना। प्लस आप देख सकते हो कि वहाँ पर अंडरपास जो न्यू वाला बना है वो भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर श्री सोदिया पैलेस भी मिल जाएगा, ठीक है, तो उसी के पास आप आओगे, बगल में आपको यामाहा श्री साई मोटर कॉर्प भी मिल जाएगा। जस्ट ये वाले लेन में आ जाना, क्योंकि ये अभी अभी न्यू ही ओपन हुआ है, तो आपको हम पूरे सही तरीके से दिखा दिए हैं लोकेशन। तो बस थोड़ा सा ही अंदर आओगे तो देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा न्यू मोनोपोली रेस्टोरेंट एंड जूस सेंटर। मोनोपोली थीम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, आपको फिर भी हम डिटेल में बताएंगे। उससे पहले हेलो नमस्कार, मैं सुकृति पांडे और मेरे चैनल सुकृति पांडे में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो ये है यहाँ के मैनेजर साहब, क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार सिंह। कब ओपन किया आप ये रेस्टोरेंट? ये 3 अप्रैल को ओपन हुआ है। 3 अप्रैल को आप ओपन किया, अभी तो बिल्कुल ही नया है। जी नया है, शायद इस वजह से गूगल पे इसका लोकेशन नहीं आ रहा था। नहीं, अभी हम लोग अपलोड किए हैं। अच्छा, आ जाएंगे और वेरीफाई वगैरह होने में टाइम लगता है। तो अच्छा, ये मोनोपोली थीम के बारे में कुछ बताइए। जी मैम, हमारा ये पहले का भी है, हमारा इससे पहले 4 ब्रांच मुंबई में चल रहे हैं। अच्छा, ये हमारा मुंबई में, ये पटना में पहला ब्रांच है, 5वां ब्रांच है हमारा, और वहाँ पर हमारा मोनोपोली का पूरा गेम के ऊपर में है, और हमारा एक्स्ट्रा गेम भी है। अगर कोई कस्टमर आते हैं, थोड़ा टाइम वेटिंग रहता है, तो गेम खेल करके अपना टाइम पास कर सकते हैं, मनोरंजन ले सकते हैं। हमारा अलग ही है पूरा कॉन्सेप्ट, हमारा मुंबई का है। 150 से प्लस जूस है इसमें, 150 प्लस जूसेज है आपके पास? 150 से प्लस जूस है, जो कि हमारा पटना में मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे जामुन का हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, सीताफल हो गया, ये आपको 365 डे आपको कभी भी मिलेगा। कभी भी ये सब है, मतलब सीजन नहीं भी है तो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल रहता है। और फ्रेश फ्रूट रहेगा, कोई एसेंस नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, जो भी रहेगा फ्रेश फ्रूट का जूस रहेगा। ठीक है, तो 1-2 ग्लास जूसेज हम लोग को भी ट्राई कराइएगा थोड़ा। ठीक है, ये देखिए हम बनाकर तैयार किए हैं। नहीं नहीं, मेरे साथ जो लोग आए हुए वो लोग बनाए हैं बहुत मेहनत से, तो इससे एक चीज़ तो पता चल गया कि अगर आपका खाना वाना आने में यहाँ पर टाइम लगता है ना, या फिर आप लोग फ्रेंड लोग के साथ आए हुए हैं, ज़्यादा आप ऑर्डर करके रखे हो फूड वगैरह, तब तक क्या होता है ना कि आप लोग थोड़ा बहुत इन्जॉय कर सकते हो। सांप सीढ़ी वगैरह भी खेलने को मिल जाएगा, लाइक आप यहाँ पर लूडोज़ वगैरह इन्जॉय कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें भाई सब। ऐसा पटना में अभी तक हम नहीं देखे ऐसा कोई भी रेस्टो कि लाइक आपको इतना सारा चीज़ मिलने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। और ये तो हुई कि, और सिर्फ इतना ही नहीं है, तो भैया हमको 2-3 चीज़ निकाल कर दिए हैं इधर, और भी चीज़ें हैं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना क्या क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर एंजॉय करनी है। ये वेज चीज़ ग्रिल। जी वेज चीज़ ग्रिल। जी जी, और वो मोनोपोली स्पेशल पिज्जा। चिपोटली पेरी पेरी फ्राइज। चिपोटली पेरी पेरी फ्राइज। जी ठीक है, और ये वेज चीज़ बर्गर। वेज चीज़ बर्गर। जी ओके, ठीक है, अभी हम ट्राई करते हैं। और ये यहाँ का स्पेशल है? स्पेशल। ठीक है ठीक है, ओके। यहाँ पर ना आपको सब कुछ बहुत क्यूट क्यूट से वे में मिलने वाला है। देखिए इनकी जो सर्विंग स्टाइल है वो बहुत प्यारी है, ये बड़ा अच्छा से एक होता है ना ठेला स्टाइल में, ठीक है, ये चक्का वक्का लगा हुआ है, और इस पे ये हम लोग को ग्रिल सैंडविच दिए हैं, बहुत प्यारा लग रहा है ये। वैसे आपके पास वेज और नॉन वेज सब कुछ है ना? ऑनली वेज है, चलो ये भी बहुत बेहतर है कि यहाँ पर आपको सब कुछ ऑनली वेज ही मिलने वाला है, और वेज ही हम लोग ऑर्डर भी किए हैं। अगर नॉन वेज होता भी तो हम लोग वेज ही खाते हैं। सैंडविच टेस्ट की बात करें तो एक बाइट में ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, क्रीमी है, चीज़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डाला हुआ है, आप देख सकते हो। जबकि हम लोग का ना हमेशा से होता है, जितने भी फूड ब्लॉगर होंगे उन लोगों को पता होगा, फोटोशूट में हमारा बहुत टाइम जाता है, आप लोगों को तो पता ही होगा जो फूड ब्लॉगिंग करते हैं। उसके बाद भी ये ठंडा होने के बाद भी आपको सेम टेक्स्चर दे रहा है, सेम टेस्ट दे रहा है। मोनोपोली स्पेशल पिज्ज़ा है, ये हम लोग ट्राई करते हैं। अगर कोई पिज्ज़ा ख़राब तरीके से बना हुआ रहेगा ना, तो ठंडा होने के बाद ना आप उसको खा नहीं सकोगे। ये चीज़ जो होती है ना, बेस होती है, वो बहुत ज़्यादा कड़ी हो जाती है, और आपको लगा होगा, पता चला होगा वीडियो में कि जब हम इसको कट किए होंगे, आराम से कटो, हम फिर से दिखाना चाहेंगे एक बारी। देखें नाचोज है ये, ठीक है। प्राइस तो एज नॉर्मल जैसा होता है वैसा ही है यहाँ का भी प्राइस, ऐसा नहीं है कि हम आपको बढ़ा चढ़ा के कुछ भी बोल देंगे कि यहाँ की प्राइस ऐसी है वैसी है। हाँ, इसमें बता सकते थे, इसमें बता सकते थे, क्योंकि ये सबका तरीका अलग हो सकता है, बट प्राइस यहाँ की नॉर्मल है, टेस्टी है, ये कहना चाहते हैं। हम इसको बोलना चाहेंगे क्रीमी नाचोज है, ठीक है, बहुत टेस्टी है, बहुत क्रिस्पी है, और फुल्ली क्रीम भरा पड़ा हुआ। एक बार सामने से कैमरा इधर लेकर दिखा दीजिए, फुल्ली इस पे ना ये क्रीम भरा पड़ा हुआ है। अगर टेस्ट की बात करें तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फिर से एक बार हम इसको खाना चाहेंगे, क्योंकि ना इससे रहा नहीं जा रहा है, ऐसे ये लोग जो भी डिशेज ला रहे हैं ना। अच्छा, अभी और भी कुछ बाकी था, ये क्या है? पिंक्स ऑफ पास्ता।
टिन्स ऑफ पास्ता। ये पास्ता है और मेरी ऑल टाइम फेवरेट पास्ता है, लाइक हम घर पे भी इसको बनाकर हमेशा ही खाते रहते हैं। और इनकी एक चीज़ जैसा कि बताए, सर्विंग स्टाइल तो बहुत प्यारी है। ये देखिए गिटार वर्जन में ये पूरा का पूरा बना हुआ है इनका जो है, ठीक है, प्लेट। और इधर देखिए पैन वर्जन में है, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पर, क्यूट क्यूट सी। ये देख ही लिया, ठीक है, जरूर ट्राई करना, ये भी ट्राई करना जो भी हम खा रहे हैं। और ये तो बिल्कुल ट्राई करना भाई साहब, ये तो मेरा फेवरेट हो गया। अगर हम इधर से आते जाते रहेंगे तो ये हम वैसे भी खाने वाले हैं। अब बात करें अगर बर्गर की, एक नंबर, बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा मेन यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्पेशल है यहाँ की जूसेस, और बहुत सारी वैरायटी है। तो बहुत सारी जूसेस तो हम लोग एक बारी में नहीं पी सकते हैं, तो कुछ मेरे पास आई है। ये कौन सा, ये सीताफल बताए थे ना, और ये मैंगो, ठीक है, और ये जामुन वाला हो गया, हाँ ठीक है, काला जामुन वाला। और ये हमारा स्ट्रॉबेरी, ये किटकैट, ठीक है, किटकैट शेक जो बनता है ना भैया, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वो जो गोल गोल सा होता है और उसके अंदर बीज भी निकलते हैं ब्लैक ब्लैक से, वो ये पपीता शायद बोल रहे थे, वो पपीता नहीं होता है, हाँ हाँ हाँ, ये क्योंकि ये हमारे घर पे इसका बहुत बड़ा पेड़ था, हाँ हाँ, कुछ इसको कहते हैं, इसका नाम हमको अभी याद नहीं है। बचपन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हम खाए हैं, इसलिए आज इसका जूस भी हमको अच्छा लग रहा है। कोई भी शायद से ऐसे नहीं होंगे जिनको मैंगो से रिलेटेड चीज़ें पसंद नहीं आती होंगी, ठीक है। मैंगो करीब करीब सबको ही पसंद आता है, फलों का राजा भी वो कहलाता है, ठीक है। तो मैंगो जूस हमको वैसे ही पसंद है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बनाया गया, ऊपर से ये थोड़ी सी ना ठंडक भी दे रही है। जामुन वाली हम ट्राई करना चाहेंगे। सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन हुआ है ओपन हुए और इतना कुछ आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ आपको ये दे रहा है रेस्टोरेंट। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और अच्छी लगती है, ये फ्लेवर हमको वैसे ही पसंद है। और जैसे कि कुछ लोग हमको जानते होंगे, हम चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हम ये ट्राई कर रहे हैं, नहीं तो हम बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं पसंद करते हैं, पता है मेरे व्यूवर्स को। आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है, अभी चॉकलेट हमको पसंद नहीं है तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। कुल्फी घोटाला इसका नाम है, पहले हमको कुल्फी होटल सुनने को आया क्योंकि भाई घोटाला तो बहुत आउट ऑफ रेंज हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन कुल्फी घोटाला इसका नाम है। हम लोग को जल्दी ये खाना पड़ेगा क्योंकि ना ये कुछ देर में पिघलने लगेगा। मीठा नहीं खाते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुल्फी आइसक्रीम वगैरह हम नहीं खाते हैं, खा लेते हैं। इसमें ना फ्लेवर काफ़ी सारी है ना, अच्छा, स्ट्रॉबेरी है, मलाई है, पिस्ता है, केसर है, हर तरह की इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ मिला कर दी गई है। तो हमारा फूड तो यहाँ पर ट्राई हो गया और सच्ची बता रहे हैं बहुत टेस्टी था। ये कुछ ऑफर्स वगैरह भी आप लोग दे रहे हो क्या? जी मैम, अगर 500 का बिल बनता है तो 20% का डिस्काउंट है जी, अगर 1000 से ऊपर का बिल बनता है तो 30% का डिस्काउंट। दोपहर के 12 से रात के 2 बजे तक इनके ये रेस्टोरेंट ओपन रहती है, क्योंकि ये लोग ना छोटा पैक बड़ा धमाका दे रहे हैं, आप लोग को खाने पीने की चीज़ें इतनी टेस्टी मिलेगी, साथ ही साथ इन्जॉयमेंट के लिए बहुत सारी गेम्स भी मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।